आज हम एक ऐसी नमकीन बना रहे हैं जिसको हम नवरात्रों में या किसी भी तरह के फास्ट में ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अपने इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। हमने लिया है एक बाउल मखाना, साथ ही हमने ली है मूंगफली, कुछ काजू और बादाम, सेंधा नमक, क्योंकि हम ज्यादातर फास्ट में सेंधे नमक का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली नवरात्रों में हम सिर्फ सेंधा नमक ही खाते हैं, देसी घी और ब्लैक पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन गर्म करने के लिए रख देंगे, उसमें हम एक चम्मच देसी घी डालेंगे, मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें मखाने ऐड करेंगे, इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। काफी लोग जल्दी के चक्कर में इनको डीप फ्राई करते हैं, लेकिन आप अगर डीप फ्राई करेंगे तो वो बहुत हैवी हो जाता है, तो आप इसलिए कम घी के इस्तेमाल से या ऑयल जो भी आप फास्ट में लेते हैं उससे इसको हल्की हल्की गैस पे रोस्ट कीजिए, उससे ये हेल्दी भी रहते हैं और ज्यादा टेस्टी भी लगते हैं। इनमें हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है, हम इसको थोड़ा सा और अभी रोस्ट करेंगे, इससे ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। पैन हमारा गर्म है, इसी पैन में हम एक चम्मच घी और डालेंगे और मूंगफली को भी अच्छे से रोस्ट करेंगे। मूंगफली का कलर भी जब हल्का सा गोल्डन आने लगे तो मतलब वो अच्छे से रोस्ट हो गई है। मूंगफली हमारी आधी रोस्ट हो चुकी है, उसी समय पर हम इसमें काजू और बादाम भी ऐड करेंगे। हमने काजू बादाम को बाद में इसलिए डाला है क्योंकि काजू को बहुत कम टाइम चाहिए रोस्ट होने के लिए, अगर हम उसको स्टार्टिंग में डाल देंगे तो वो जल जाएंगे। आप देख सकते हैं काजू डालने के एकदम बाद ही कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। हमारे मूंगफली, काजू, बादाम सब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हम दोबारा से इसमें अपने मखाने ऐड करेंगे और अब हम इसमें नमक डालेंगे। इसमें बहुत ज्यादा तेज नमक नहीं अच्छा लगता है, तो आप हल्का सा नमक रखिएगा, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डालेंगे, आप ऑप्शनल है ये, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे हमारा जो हमने नमक इसमें ऐड किया है वो सब में अच्छे से लिपट जाएगा। गैस ऑफ कर देंगे, नमकीन एकदम तैयार है। अब हम इसको ठंडा करके तब सर्व करेंगे, क्योंकि गरम गरम ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, इसमें जो क्रिस्पीपन है वो महसूस नहीं होगा, तो नमकीन हमेशा ठंडे होने के बाद ही क्रिस्पी लगती है। हमारी नमकीन एकदम तैयार है, ये बहुत टेस्टी है, साथ ही बहुत हेल्दी है। आपने इसे घर पर बनाया है तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।